सभी अक्सर आए दिन इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं कि कुछ रुपया मुश्किल वक्त के लिए भी बचा कर रखना चाहिए। मुसीबत में कोई साथ नहीं देता। जमाना बड़ा खराब है, लोग मतलबी होते हैं, आदि आदि। जो व्यक्ति बार बार ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं कि मुश्किल वक्त के लिए रुपया जोड़ना चाहिए, उनके ऊपर बार बार मुसीबत आती रहती है। मुश्किल समय के लिए बचत करने का विचार अवश्य अच्छा है, लेकिन मुश्किल वक्त के लिए बचत करने के स्थान पर खुशहाल समय के लिए बचत करनी चाहिए। इससे हमारा मस्तिष्क सकारात्मक वस्तुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और ऐसी ही वस्तुएं एवं कार्य हमारी ओर आकर्षित करता है, जिनसे हमें खुशी, सुख, प्रसन्नता एवं धन की प्राप्ति होती है। अगर आप अपने मस्तिष्क में मुश्किल समय की अवधारणा बना रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको मुश्किल समय ही मिलेगा, कठिनाइयाँ मिलेंगी। इसलिए ऐसी अवधारणाएँ बनानी छोड़ दें। जीवन वैसा ही होता है जैसा आप इसे बनाते हैं। यदि आपके मस्तिष्क में मजबूत सकारात्मक विचार पनप रहे होते हैं, तो फिर बुरी से बुरी परिस्थिति भी आपके लिए स्वर्णिम अवसर बन सकती है और बन जाती है। मनोविश्लेषक तो यहाँ तक कहते हैं कि अधिकांश बीमारियाँ भी मनोदैहिक ही होती हैं। व्यक्ति का मस्तिष्क उन्हें उत्पन्न करता है। मन और व्यक्ति के शरीर में अद्भुत संबंध है। इसलिए यदि मस्तिष्क में नकारात्मक के बजाय सकारात्मक प्रोग्रामिंग की जाती रहे, तो मुश्किल वक्त एवं खुशहाल वक्त के रूप में आता है और अनेक अवसर एवं उपहार देकर जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन खुशहाल और विजयी हो सकता है। इसके लिए केवल इतना भर करना होता है कि अपने मस्तिष्क से नकारात्मक विचारों को धकेल कर वहाँ पर सकारात्मक विचारों को उगाना होता है। सकारात्मक विचार फल फूल कर सफलता
धन दौलत प्रसिद्धि की वर्षा करते हैं। स्टॉप।